महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठने वाले दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि दंपत्ति ने 12 लोगों को रेलवे में नौकरी का झांसा देकर 68 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। दंपत्ति खुद को भी सेंट्रल रेलवे के अधिकारी बताते थे। आरोपी की पहचान आशीष प्रदीप गोस्वामी और उनकी पत्नी की कविता के रूप में हुई है। दोनों मिलिंद नगर के वरथोड़ा में रहते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी दंपत्ति ने साल 2019 में लोगों को रेलवे में ग्रेड 4 की नौकरी देने का झांसा देते हुए उनसे 68 लाख रुपए देकर लोग इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी जब रेलवे में नौकरी नहीं लगी तो वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने दंपति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। 27 वर्षीय शेखर बोरकर और 11 अन्य लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने पाया कि आरोपियों ने सच में ही इन लोगों के साथ ठगी की, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दंपति ने हमें बताया था कि वे सेंट्रल रेलवे में अधिकारी की पोस्ट पर नौकरी करते हैं। रेलवे में ग्रेड 4 में वे हमारी भी नौकरी लगा देंगे। हमने भी उन पर भरोसा करते हुए उन्हें पैसे दे दिए। बाद में जब कई दिनों तक हमारी रेलवे में नौकरी नहीं लगी तो हमने उनसे बात की, वे टालमटोल करने लगे। बाद में हमें शक हुआ तो हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हम हमारे इसके समाचार यहीं पे खत्म होते हैं। आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक लिए सदैव सुरक्षित रहिए। हिंद।